सिपला ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं चलिए देखते हैं कैसे क्या है तो ये डाटा बेसिकली क्रोस में दिया हुआ है देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन थ्रू जो जनरेट हुआ था पाँच हज़ार तीन सौ पचहत्तर करोड़ पिछले साल पाँच हज़ार पाँच सौ उन्नीस करोड़ जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में पाँच हज़ार आठ आथ सौ अट्ठाईस करोड़ के आसपास आ गया तो कह सकते हैं कि अप्रोक्सिमेटली छः परसेंट के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल जबकि क्वार्टर क्वार्टर बात करें तो वहाँ पर अप्रोसिमेटली दस परसेंट के आसपास की तेजी है तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी ने रेवेन्यू शानदार दिया है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों में तेजी देखने को मिल रही है चलिए एक्सपेंस देख लेते हैं एक्सपेंस में क्या हुआ है पिछले क्वार्टर में कंपनी ने पैंतालीस सौ चार करोड़ खर्च किए थे पिछले साल पैंतालीस सौ चौरासी करोड़ जबकि इस क्वार्टर में अड़तालीस सौ इक्यावन करोड़ कंपनी ने खर्च किए तो ऑबियसली इस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट किया इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है चलिए कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं क्या है पिछले क्वार्टर में सात सौ छः करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बना था पिछले साल की बात करें तो सात सौ नौ करोड़ का प्रॉफिट बना था कंपनी का ओ सॉरी एक सेकंड प्रॉफिट थोड़ा नीचे रह गया कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में छः करोड़ के आसपास था पिछले साल 711 करोड़ था जबकि इस क्वार्टर में 788 करोड़ के आसपास है तो कहने का मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर साल दर साल बात करें तो साल दाल दस परसेंट के आसपास की तेजी है लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो अप्रॉक्सिमेटली तेरह के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट का तो ओवरऑल कहने का मतलब कि नंबर बहुत शानदार इस क्वार्टर में कंपनी ने दिए हैं तो मेरे हिसाब से शेयर के अंदर तेज़ी बने रहेगी ई भी देखें तो आठ से बढ़ के नौ रुपएय अस्सी पैसे के आसपास आ गया तो यूपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी है तो ओवरऑल करने का मतलब कंपनी ने नंबर्स अच्छे दिए हैं क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ता हुआ नजर आया है इस क्वार्टर में तो मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे हैं बने रहे है। बस यही बताता साथ में बता तो वीडियो ना आए तो लाइक कीजिएगा साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आज के बस इतना ही धन्यवाद